महाराज की जय हो। चंद्रपुर राज्य के सचेत राव का प्रणाम। महाराज, हमारे राज्य पर गहन संकट आ पड़ा है, इसीलिए मेरे महाराज ने केवल 2 दिनों के लिए अपने पुरखों की अनमोल धरोहर आपके पास भेजी है। ये देखिए महाराज, इतनी चमकने वाली मणि। परंतु हमारे पास ही क्यों, अर्थात हम आपकी सहायता क्यों करें? क्योंकि महाराज, आप दक्षिण भारत के सबसे शक्तिशाली राजा हैं। वो तो हमारे महाराज हैं। आपके पास ये धरोहर अधिक सुरक्षित रहेगी। केवल आप ही हैं महाराज जो इस दिव्य मणि को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। हमारे महाराज के कुछ शत्रु हैं जो इस मणि को प्राप्त करना चाहते हैं और उसके पश्चात नष्ट कर देना चाहते हैं। यदि ये दिव्य मणि नष्ट हो गई तो हमारे महाराज का संपूर्ण वंश नष्ट हो जाएगा। महाराज, यदि समस्या इतनी गंभीर है तो हम आपकी सहायता अवश्य करेंगे। इस मणि की सुरक्षा हम करेंगे। क्या बात है, यदि और कुछ है तो आप निसंकोच हमसे कह सकते हैं। क्षमा कीजिएगा महाराज, किंतु इसकी सुरक्षा के लिए मुझे आपसे ठोस आश्वासन चाहिए। ये कोई साधारण मणि नहीं है महाराज, ये मणि अत्यंत ही विशेष है। हमारे महाराज के पूर्वजों ने शिवजी को अपने नेत्रों की बलि देकर अर्जित किया है। और महाराज, हमारे महाराज के लिए ये मणि उनके प्राणों से भी बढ़कर है। आप निश्चिंत रहिए, यदि ये मणि आपके महाराज के प्राणों से बढ़कर है उनके लिए, तो हमारी सुरक्षा में ये मणि हमारे प्राणों से बढ़कर होगा। यदि आपके पूर्वजों ने अपने नेत्रों की बलि देकर इसे प्राप्त किया है, तो हम भी आपको वचन देते हैं कि यदि हम इसकी सुरक्षा ना कर पाए तो स्वयं अपने नेत्रों की बलि दे देंगे। करते हैं अब तो आप आश्वस्त होंगे। मां मंत्री जी, इस मणि की सुरक्षा की व्यवस्था कीजिए। जो आज्ञा महाराज। महाराज, इसकी सुरक्षा भी आपको विशेष रूप से करनी होगी, क्योंकि ये शिवजी की कृपा से प्राप्त दिव्य मणि है। इसे सदा आपको अपने पास रखना होगा, अपनी कमर से बांधकर। रुकिए, रुकिए। नहीं महाराज, आप इस मणि को अपने शरीर पर धारण नहीं कर सकते। यह आपकी सुरक्षा का प्रश्न है महाराज। यदि आपने इस मणि को अपने शरीर पर धारण किया तो आप शत्रुओं के लक्ष्य पर सीधे आ जाएंगे। आप विजयनगर के महाराज हैं, आपके प्राणों पर संकट आ सकता है महाराज। हमारे विचार में आप इस मणि को किसी और व्यक्ति को धारण करने के लिए दें। मैंने पहले ही कहा था, मणि का अपमान मत कीजिए। हमने क्या किया है महाराज? गुरुवर का कथन सत्य है महाराज, आप इस मणि को किसी विश्वास पात्र व्यक्ति को क्यों नहीं दे देते? जी महाराज, उचित कथन है, परंतु वो विश्वास पात्र व्यक्ति गुरुवर। जी गुरुवर, ये मणि आप स्वयं अपने पास रख लीजिए। हम
मणि धारण कर ली तो हम शत्रुओं का लक्ष्य बन जाएंगे। गुरुजी, ये बहुमूल्य मणि तो आपको ही धारण करनी चाहिए, क्योंकि आप ही तो हैं विजयनगर के महान बुद्धिमान राजगुरु। आपसे अधिक उत्तरदायी व्यक्ति विजयनगर में कोई दूसरा नहीं हो सकता है। लपक लो गुरुजी, लपक लो। नहीं, नहीं, हम इसे धारण कैसे कर सकते हैं? नहीं महाराज, हम इसे धारण नहीं कर सकते महाराज। हम मानते हैं कि मात्र दो दिवस की बात है, परंतु महाराज आपको तो ज्ञात है हमारी दिनचर्या। प्रातः उपासना, दोपहर में उपासना, संध्या को उपासना, रात्रि को ध्यान, और महाराज हम तो एक दिन में 5-5 बार स्नान करते हैं। अब मणि धारण करके हम ये सब कैसे कर पाएंगे महाराज? तनिक सोचिए महाराज। हाँ, हमारे विचार से इस मणि को धारण करने वाला उपयुक्त व्यक्ति है क्या महाराज? सोचिए, महामंत्री किमारा सूजी सबसे उपयुक्त व्यक्ति है। क्या हम योद्धा भी हैं? महाराज हमें कोई आपत्ति नहीं है, परंतु हमारी कमर पर तो हमेशा हमारी तलवार सुसज्जित रहती है। कहीं हमारी तलवार से इस मणि को हानि न पहुंच जाए महाराज। और ऊपर से हमारा मछलीपट्टम आप जी महाराज, अर्थात हमारा कहने का तात्पर्य है कि हमारा मछलीपट्टनम आना जाना चलता रहता है महाराज। तो हमारे राज दरबार में कोई भी ऐसा उपयुक्त व्यक्ति नहीं है जो इस मणि को धारण कर सकता। रामा, दरबार से भाग जा, मेरी दूर दृष्टि कह रही है अब तुझे ये दायित्व मिलने वाला है। पंडित रामा कृष्णा जी। जी महाराज, पंडित रामाकृष्णा वो हमारी भांति उपासना भी नहीं करते, दिन में मात्र 1 बार स्नान करते हैं, वो भी ज्ञात नहीं है करते भी हैं या नहीं करते हैं। और शस्त्र ही अपने पास रखते नहीं, और इनका बालक भास्कर वो सदैव पालने में रहता है, तो खिलौना समझकर उठाए जाने का भय भी नहीं है। तो महाराज हमारे विचार में मणि की रक्षा के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति हैं हमारे पंडित रामा कृष्णा जी। पंडित रामा कृष्णा। महाराज, क्या आपको कोई आपत्ति है इस मणि को रखने में? यदि है तो फिर स्वयं हमें ही इस मणि को धारण करना होगा। रामा, मना कर दे। नहीं बंधु, मेरे होते हुए महाराज को मणि धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं महाराज को मणि के शत्रुओं का लक्ष्य नहीं बनने दूंगा, और केवल 2 दिवस की तो बात है, 2 दिवस पलक झपकते ही बीत जाएंगे। पंडित रामकृष्णा, हम आपके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मुझे स्वीकार है महाराज। अद्भुत पंडित रामकृष्णा। महामंत्री जी, अगले 2 दिवसों तक पंडित रामकृष्ण की सुरक्षा हेतु हमारे विशेष सैनिक उनके साथ रहेंगे। पंडित रामकृष्ण, पहला कार्य तो हो गया, अब पंडित रामकृष्ण नाम के इस मर्ज का इलाज करता हूं। गुंडप्पा, जाओ उस वृक्ष के नीचे जाकर बैठ जाओ। जी गुरु जी। हाँ,
गुरु जी, ये लस्सी किस लिए? पुत्र, इसे पकड़िए। गुंडप्पा, आज तुम्हें जितना अध्ययन करना है कर लो, कोई मना ही नहीं है। यदि अध्ययन करते करते तुम्हें निद्रा आ भी गई तो ये रस्सी जो तुम्हारे बालों से बंधी है ये तुम्हें जगा देगी। दोपहर के भीतर सारे श्लोक कंठस्थ कर लेना, दोपहर पश्चात मैं आऊंगा। पुत्र, इतनी शीघ्र श्लोक कैसे याद कर लूंगा? पंडित रामाकृष्ण जी, आपके संबंध में जैसा सुना था बिल्कुल वैसा पाया। लीजिए, हमारे महाराज पंडित रामकृष्ण जी से बहुत प्रभावित हैं। इनके सम्मान में उन्होंने एक विशेष उपहार और भेजा है। ये देखिए महाराज। महाराज, पहनिए। आप पर यह हार अत्यंत सुंदर लग रहा है। धन्यवाद। मेरे महाराज ने इस धरोहर के साथ साथ पंडित रामकृष्ण जी के लिए एक छोटी सी पहेली भी भेजी है। पंडित रामकृष्ण जी को बुद्धिदास को शिक्षित करना है। महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं बुद्धिदास को दरबार में बुलाऊं? अवश्य, आज्ञा है। बुद्धिदास! ए बंधु! रामा, एक ओर तो ये आदमी अपनी मणि की सुरक्षा की समस्या लेकर आया है, दूसरी ओर पहेली सुलझाने को कह रहा है। मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है रामा। ये हैं बुद्धिदास जी। महाराज, यही है बुद्धिदास जी। और पंडित रामकृष्ण जी तो अपराजय हैं, बुद्धिमान हैं, श्रेष्ठ पंडित हैं। ये तो किसी भी समस्या का समाधान चुटकी बजाते ही कर देते हैं महाराज। और फिर बुद्धिदास को शिक्षित करना तो इनके लिए पल भर का कार्य है महाराज। फिर भी मैं इन्हें 2 दिवस देता हूं। क्यों पंडित रामकृष्ण जी, सुना ना आपने? किंतु ये संभव कैसे है? अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप, आपके लिए तो कुछ भी असंभव नहीं। अरे पंडित रामकृष्ण जी सत्य कह रहे हैं, भला कोई गधा को कैसे शिक्षित कर सकता है? पं
रामचंद्र महोदय, क्या हुआ, आप विचलित क्यों हो गए हैं? महाराज, मेरा प्रश्न ही विचलित कर देने वाला है। भला गधे को कोई कैसे शिक्षित कर सकता है? चुप। कोतवाल, ये तो तुम्हारी ओर आ रहा है। मेरी तरफ क्यों आ रहा है? सत्यचित महादेव अपने गधे को रोकी। गुरुवर संभालिए, आपकी ओर आ रहा है गुरुवर। गुरुवर, अरे रोको, अरे साथी चित, हटो, रोको इसे। अरे जब तक आप इससे क्षमा नहीं मांगेंगे, ये किसी की नहीं सुनने वाला। क्षमा मांगे इससे। उदिदास, क्षमा। आप भी क्षमा मांग लो इससे। बुद्धिदास जी, मैं अपने संपूर्ण परिवार की ओर से, राज्य के लोगों की ओर से आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। मुझे क्षमा कर दीजिए बुद्धिदास जी। शायद क्षमा मिल गई। क्षमा कीजिएगा महाराज, बुद्धिदास जी को इनके नाम से ही संबोधित कीजिए, अन्यथा इसको अच्छा नहीं लगता, ये भड़क जाता है महाराज। बुद्धिदास, पंडित रामकृष्ण जी, आप तैयार है ना चुनौती के लिए? या आपने हार स्वीकार कर ली है? बता दीजिए, हमारे महाराज का भ्रम टूट जाएगा, उनके अनुसार आप कभी पराजित हो ही नहीं सकते। और हमारे महाराज का मानना है कि आप विजयनगर की आन बान और शान है, और यदि आप पराजित हुए तो विजयनगर का घोर अपमान होगा। अब सोच लीजिए आप। रामा, इसकी बातों में मत आना। सोच, गधे को कैसे पढ़ाएगा, और मणि की भी सुरक्षा करनी है, अन्यथा महाराज को अपनी आंखों का बलिदान देना पड़ेगा। बोलिए पंडित रामकृष्ण जी। मुझे स्वीकार है। इस बार तो चमत्कार हो गया, हमें कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। पंडित रामकृष्ण पर अपने आप दोराबार हो गया। अब ये मणि और गधा दोनों भारी पड़ेंगे पंडित रामकृष्ण पर। सैनिक महोदय, आप दोनों सतर्क रहना, मेरा ध्यान मणि से हटे तो मुझे स्मरण कराते रहना। हाँ जी पंडित जी, महामंत्री जी ने मणि सुरक्षा हेतु ही हमें यहाँ नियुक्त किया है। उचित है। ए बंधु, क्या सोच रहा है रामा? यही कि बुद्धिदास को कोई वो ना कह दे। क्या ना कह दे? अरे बंधु, तू सोचा
मणि ये अपना बुढ़ा भी है ना, जब देखो तब पंडित रामाकृष्ण की गुप्तचरी के कार्य में लगा देता है। बुढ़े के साथ इसके सेवक अरे गधे, तूने गधे को गधा बोल दिया। अरे मैंने तो क्रोधित होकर गधा बोला, तू गधा क्यों बोल रहा? अरे भाग चल, भाग चल, नहीं तो भाग। अरे देख क्या रहे हैं, मैं मणि को संभाल लूंगा, आप जाकर उस बुद्धिदास को पकड़िए, पकड़िए। जी जी हाँ। अरे बुद्धिदास को पकड़ो, बुद्धिदास। यहाँ से आगे जाने का तो मार्ग ही समाप्त हो गया है। ये हमारा जीवन समाप्त कर देगा। मैंने हमें बुद्धिदास क्षमा मांगनी चाहिए। मांगते हैं बुद्धिदास जी, तू धनी मणि को बच्चा समझ के क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। हाँ बुद्धिदास जी, हम भविष्य में भी ना नाम लेके आपको संबोधित करेंगे, बुद्धिदास, 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 क्षमा कर दो। सैनिक आ गए, बच गए ऊपर आने का धन्यवाद। तुम दोनों ने जानबूझकर बुद्धिदास को व्यथित किया ना? नहीं नहीं नहीं, हमने व्यथित नहीं किया, वो तो त्रुटि से बोल दिया, वो कचरा ऊपर गिरा तो कचरे वाले को बोल रहे थे। परंतु बुद्धिदास जी हमारे गुरुजी की तरह हैं, झूठी प्रशंसा करो तो प्रसन्न हो जाते हैं और सत्य बोलो तो क्रोधित हो जाते हैं। चलो बुद्धिदास चलो। राजपुत्रों, आज भोजन में क्या लाए हो? स्वादिष्ट। अब तो गुरुजी के हाथ हमारे भोजन तक भी पहुंचने लगे, अगर ऐसा ही चलता रहा तो आगे जाकर हमें भी गुंडप्पा की तरह भूखा रहना पड़ेगा। बुद्धिदास, गृह प्रवेश का समय आ गया, आइए। महत्वपूर्ण मणि है, महाराज ने स्वयं इसकी सुरक्षा का दायित्व लिया है, यदि इसे कुछ हो गया ना तो महाराज अपने नेत्रों का त्याग कर देंगे। ये तो अति महत्वपूर्ण है। हाँ? तो महाराज ने इसे राजकोष में क्यों नहीं रखा, आपको क्यों दे दिया? महाराज ने नहीं दी, मैंने स्वयं ले ली। चिंता मत करो अम्मा, केवल दो दिवस की ही बात है। हाँ? हाँ, पर आप इसे क्यों घर बिठा लाए? शारदा, इसे करना बंद करो। इसका नाम बुद्धिदास है और यदि इसे किसी और नाम से पुकारा जाए ना तो ये उग्र होकर उद्दंडता करने लगता है और फिर इसे संभालना बहुत कठिन हो जाता है। हाँ? ये तो गधे है। अम्मा पूछ रही हैं कि इस गधे को घर क्यों ले आए? शारदा के गधा पुकारने पर भी गधे ने बुरा नहीं माना, बल्कि प्रसन्नता से शारदा की बात पर सर हिला रहा है।
वाह शारदा, तुमने इसे इसके सही नाम से पुकारा, फिर भी इसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बुरा भी नहीं माना। लगता है तुम्हारे मायके वालों से संबंध रखता है। क्योंकि दरबार में मुझे इसे पढ़ाने की चुनौती मिली है। गधा है तू, गधे को पढ़ाने की चुनौती क्यों ले ली? कहीं का। अरे बार बार इस शब्द का प्रयोग मत करो। अम्मा अनुचित नहीं कह रही है, अपनी विचित्र प्रकार की चुनौती ले क्यों ली? क्या करूं? महाराज का आदेश है और पड़ोसी राज्य के राजा की चुनौती, पढ़ाना तो पड़ेगा ही इसे। आजकल आप बार बार दोहरी समस्या को स्वयं न्योता क्यों दे देते हैं? क्या केवल आप ही थे दरबार में चुनौती लेने के लिए? महाराज, ये किस प्रकार की चुनौती स्वीकार कर ली आपने दरबार में? ये कार्य बहुत ही कठिन है महाराज। हाँ महारानी चिन्ना देवी, हम भी यही विचार कर रहे थे कि ये कार्य अत्यंत कठिन है। एक गधे को पढ़ाना पंडित रामकृष्ण के लिए अत्यंत कठिन होगा। परंतु महाराज, हम गधे के विषय में नहीं मणि की सुरक्षा के विषय में बात कर रहे हैं। महाराज, प्रश्न आपके नेत्रों का है। महारानी चिन्ना देवी, आपको चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें कुछ नहीं होगा, हमें पंडित रामकृष्ण पर पूर्ण विश्वास है। परंतु महाराज, यदि पंडित रामकृष्ण उस मणि की सुरक्षा ना कर पाए तो क्या ऐसी परिस्थिति में आप अपने नेत्रों को त्याग देंगे? ऐसा कुछ भी नहीं होगा महारानी चिन्ना देवी, वो मणि पंडित रामकृष्ण की कमर पर 2 दिवसों तक सुरक्षित रहेगा। और यदि ऐसा ना हुआ तो आपको स्मरण रखना होगा कि आपने एक क्षत्रिय से विवाह किया है और एक क्षत्रिय का वचन पत्थर की लकीर होता है। तो यदि किसी कारणवश वो मणि खो जाती है तो हमें अपने वचन का मान रखना होगा, अपने नेत्रों की बलि चढ़ानी होगी। महाराज, परंतु आप निश्चिंत रहिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। परंतु महाराज, हमें आपकी बहुत चिंता हो रही। वो तो अच्छा हुआ कि छोटी महारानी इस संकट के समय में अपने मायके गई थी। यदि वो यहाँ होती तो हमारी भांति आपको इस प्रकार संकट में देखकर विचलित होती। वैसे महारानी तिरुमलम्बा मायके किस प्रयोजन से गई है? महाराज, वो उनके मायके में कोई महाज्ञानी पुरुष आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने के लिए वो वहां गई है। अच्छा जी। महापुरुष देंगे उन्हें हमारे प्रश्न का उत्तर। पालन लग्न धात्मम, पालन लग्न धात्मम। भोजन ग्रहण हो गया, अब लड्डू ग्रहण करेंगे। विद्याधर, विद्याधर। गुरुवर, आप कैसे आना हुआ? गुरुवर, हम ये देखने आए हैं कि हमारे द्वारा दिए गए कार्य में कितनी प्रगति हुई है। गुरुवर, मुंडप्पा, देखा ना गुंडप्पा, गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करना कितना कठिन होता है। तुम यहाँ शिक्षा प्राप्त करो और वहाँ घर पर पंडित रामकृष्णा ने एक गधे को पढ़ाने की चुनौती स्वीकार कर। और इतना ही नहीं, चंद्रपुर राज्य की मणि की सुरक्षा का दायित्व भी पंडित रामकृष्णा को मिला है। अब उन्हें चुनौती स्वीकार करने में आनंद आता है ना, और उन्हें आनंदित देखकर हमें भी आनंद मिलता है। विद्याधर जी, गुरुवर, इस गुंडप्पा को ऐसे ही व्यतीत करते रहना, परंतु हाँ, स्वयं पर नियंत्रण रखना। जो दुर्व्यवहार तुमने तिलक नगर के छात्रों के साथ किया था यहाँ मत दोहराना। गुरुवर, मैं स्वयं पर नियंत्रण रखूंगा। हमें तुमसे बहुत आशा है विद्याधर। बस एक बार गुंडप्पा निष्कासित हो जाए, फिर हम तुम्हें भी दूध से मक्खी की भांति निकाल फेंक देंगे। धक्के मारकर विजयनगर राज्य से निकलवाएंगे तुम्हें विद्याधर। चलते हैं।
पढ़ाएंगे? पढ़ाना तो पड़ेगा ही। तो पढ़ाओ, समय क्यों व्यर्थ कर रहे हो? क्या पढ़ाऊं समझ में नहीं आ रहा। वही जो पढ़ाया जाता है, इसे अक्षर ज्ञान दो। कैसे? अरे इसे यहाँ पढ़ने भेजा गया है, अक्षर ज्ञान के पश्चात क्या पता पुस्तक भी पढ़ने लग जाए, वरना लोग तो यही कहेंगे। क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि अष्ट दिग्गज, महाज्ञानी, चतुर पंडित रामाकृष्ण एक गधे को नहीं पढ़ा पाए। ये लीजिए पुस्तक और जाइए। प्रणाम बुद्धिदास जी। बुद्धिदास जी, बुद्धिदास जी, रामा, मुझे शत प्रतिशत विश्वास है कि ये चुनौती तू बिल्कुल पूर्ण नहीं कर सकता। लस्सी गुलजा, तुम गुलियों के लिए जल ले आओ। जल, जल दो, जल दो, जल लाओ कोई। देखिए, ये पुस्तक से प्रेम करता है, पुस्तक के प्रति आकर्षित हो रहा है, उठा लो। अभी तो बुद्धिमानी वाली बात क्या करो शारदा महोदया, ये पुस्तक कैसे उठाएगा, इसके हाथ हैं क्या? अरे हम इससे नहीं, आपसे कह रहे हैं, पुस्तक उठा लो और इसके समीप जाओ। दास जी, दास जी, देखा, इसे केवल भोजन से प्रेम है, कैसे मुंह फेर लिया, इसे पढ़ाना असंभव है। चल लो छात्रों। गुरुदेव, जल के सभी पात्र खाली है, आपने गुंडप्पा को पढ़ने बिठा दिया तो किसी ने जल के पात्र भरे ही नहीं। चलाया जल, जल लेकर आओ। अरे खड़े क्यों, जाओ ना। अरे गुंडप्पा ने पात्र में जल नहीं भरा है तो तुम लोग नहीं भर सकते। अरे तुम भी तो गुरुकुल के छात्र हो। तुमने जानबूझकर मुझे मिर्ची डालकर लड्डू खिलाए ना? हाँ गुरुजी, गुंडप्पा को कठोर दंड दीजिए। हाँ हाँ, उसे कठोर दंड मिलना ही चाहिए। दुर्व्यवहार तुमने तिलक नगर के छात्रों के साथ किया था, यहां मत दोहराना।
चल। गुंडप्पा, तुम्हारा दंड ये है कि इस पुस्तक के पहले पाठ के सारे श्लोक को स्मरण कर कक्षा में सुनाना है। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारी पीठ की वही दशा होगी जो इस वृक्ष की दशा हुई है। इतना कम जल क्यों लाए? जाओ और जल लेकर आओ। जाओ, खड़े क्यों हो? जाओ। कम प्रयास तो कीजिए, आपने पहले ही पराजय स्वीकार कर ली। गुंडप्पा के आने का भी समय हो गया है। बुद्धिदास जी, मैं आपको अक्षर ज्ञान देता हूँ। हाँ, ये है प से पुस्तक। ये देखिए, इसे कहते हैं पुस्तक। लामा तो गधे को पलाने में व्यस्त है, मेरी श्लोक स्मरण करने में कैसे सहायता करेगा? देखिए, पढ़ लीजिए। है बुद्धिदास जी, ये देखिए, ये क ख ह। यदि मैंने अभी लामा को गुलुकुल वाली बात बता दी तो लामा और चिंतित हो जाएगा। नहीं नहीं, मुझे ही मिली समस्या का समाधान निकालना होगा। कराने से पूर्व सरस्वती माँ की पूजा करा लो। कदाचित सरस्वती माँ की कृपा से गधा पढ़ने लगे। इसकी कितनी भी पूजा करा लो अम्मा, ये रहेगा गधे का गधा ही। नहीं पढ़ सकता, ये पढ़ ही नहीं सकता। गुंडप्पे, तू बता कैसा रहा लड्डू का कमाल? लड्डू ने तो अपना काले कर दिया, पर ना तू मेरा क्या होगा था? गुलूल ने पूरा श्लोक स्मरण करके आने को कहा, वो श्लोक इतना कठिन है कि मैं उसका सही तरीके से उच्चारण भी नहीं कर पाला, स्मरण क्या कर पाऊंगा। लामा से सहायता की आशा थी, परंतु ये तो गधे में। बुद्धिदास बोल, बुद्धिदास। हाँ हाँ, वही बुद्धिदास में व्यस्त है। मैं अव्यर्थ का प्रयास नहीं करूंगा, इसे पढ़ाने से अच्छा है मैं उसे पढ़ाऊं जिससे सचमुच पढ़ाई की आवश्यकता है। मुझे? हाँ, तुझे। सुन गुंडप्पे, मैं तुझे पाठ स्मरण करने की एक अच्छी युक्ति देता हूँ, वो जीवन पर्यंत स्मरण रखना, चाहे वो पाठ के कठिन श्लोक हो या निजी जीवन की कोई भी साधारण सी बात। यदि तू प्रत्येक शब्द के अर्थ को समझकर पाठ स्मरण करेगा तो सरलता से कंठस्थ हो जाएगा। इसलिए रट्टू तोता बनकर कभी भी अध्ययन मत करना, ठीक है? जा अपनी पुस्तक लेकर आ। ये देख, ओम अग्नि मिले पुरोहित यज्ञस्य देवम रत्विजम, अर्थात इसमें ऋषि अग्नि देवता को प्रणाम कर रहे हैं क्योंकि अग्नि देवता हर पवित्र यज्ञ के मुख्य पुरोहित होते हैं। अग्नि देवता के बिना कोई भी यज्ञ संपूर्ण या संपन्न नहीं होता, समझा? इसे क्या हुआ? कदाचित ये आपकी बात समझ रहे हैं। बुद्धिदास जी, क्या आप भी श्लोक के अर्थ समझना चाहते हैं? आ,
नाक से जने उतारने का अवसर नहीं मिल रहा। आ रहा हूँ जा रहा हूँ, आ रहा हूँ जा रहा हूँ। गुंडप्पा कल तुझे बताऊंगा। क्या मुझे संपूर्ण रात्रि ऐसे ही भागना पड़ेगा? अग्नि मिले पुलोहिता यज्ञस्त देवम रत्विजम, यज्ञस्त देवम रत्विजम, अग्नि मिले पुलोहिता। ये श्लोक कौन पढ़ रहा है? और कौन पढ़ेगा, हम पढ़ रहे हैं बुद्धिदास। ये स्वप्न था या वास्तविकता? काश की वास्तविकता होता। बुद्धिदास को देखता हूं। अरे ये क्या किया बुद्धिदास, लीड भी कर दी। ये तो अच्छा है अम्मा सो रही है, नहीं तो डंडे से मार मार कर मेरी हालत बिगाड़ देती। अब सब कुछ मुझे स्वच्छ करना पड़ेगा। मुझे सारे श्लोक स्मरण हो गए, पहले मैंने उन्हें समझा और फिर स्मरण किया। लवा फिर बात सुनकर प्रसन्न नहीं हुआ? कैसे हूँ प्रसन्न, उधर देख, आ इधर आ, आ मेरे साथ। ये देख ये देख, देख क्या दुर्गति करी है इस बुद्धिदास ने हमारे आंगन की। किंतु मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, इस बुद्धिदास को रस्सी से मुक्त किसने किया? मैंने दिया। क्यों? अम्मा दागेगी। जागने दे। लाठी मारेगी। मत जागने दे। तू कृपा करके ये बता गुंडप्पे कि तूने ये परोपकारी कार्य किस कारण से किया? मैंने इसे बंदा देखा तो मुझे गुरुकुल स्मरण आ गया। गुरुजी ने भी मुझे श्लोक स्मरण कराने के लिए मेले की लस्सी से बांध कर रखे थे। इसे बंदा देखा तो मुझे उचित नहीं लगा, इसलिए मैंने इसकी लस्सी खोल दी। डब्बे, तेरे गुरुजी ने तेरे केश बांध कर रखे थे? मैं कल ही जाकर उनसे बात करता हूँ। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है लामा, उन्होंने जो भी दिया मेरी भलाई के लिए दिया ताकि मैं उचित तरीके से श्लोक स्मरण कर पाऊँ। अच्छा, यदि तू कह रहा है तो कदापि ऐसा ही होगा। अरे अभी तो हमें ये सब स्वच्छ करना होगा अम्मा के उठने से पहले। विचित्र सिंह बंद कहां से? ईश्वर ये क्या कर दिया? किसको देने सारी तरकारी खाली? इसका आते ही रसोई में भी घूम कर आया है। हम अम्मा को बोलेंगे। अम्मा यही लेकर आए इस गधे को, यही उत्तरदायी है इसके। आंगन को तो गंदा किया ही है और हमारी रसोई घर में भी घूम कर आए। अम्मा हमें हमारी रसोई स्वच्छ चाहिए। हाँ, और आंगन भी। मैं अभी सब स्वच्छ करता हूँ। मैं ये देखो अभी मैं करता हूँ। कहां से शुरू करूं? ए बंधु, कहीं से भी कर ले, स्वच्छ तो पूरा रसोई घर करना ही है। तुझे सलाह देना आता है, बस सो जा चुपचाप।
अरे उठ उठ उठ। बहुत थक गया। कहाँ चला? सोने। अब तू इस गधे के साथ इसी आंगन में सोएगा। नहीं, 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 नहीं। मैं शारदा के साथ कक्ष में सोने जा रही हूँ। पहुंचे थे अम्मा। चल शारदा। जी अम्मा। अरे कैसे पढ़ाऊंगा मैं तुझे? तो अभी तक सो रहे? सुनिए उठिए। अरे अरे उठिए, आज आपको दरबार नहीं जाना क्या? मुझे शांति से सोने दो शारदा। महाराज ने गधे को शिक्षित करने के लिए 2 दिवस का समय दिया था। 1 दिवस बीत गया, 1 दिवस शेष है। हाँ तो गधे को शिक्षित कीजिए ना, समय क्यों व्यर्थ कर रहे हैं? गधा शिक्षित हो गया शारदा, अब उसे पढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। गधा शिक्षित हो गया? हाँ। हाँ। शाम को हलवा, खीर, पूरी ये सब बनाना। हाँ पूरी? पर किस उपलक्ष में? गधे के शिक्षित होने के उपलक्ष में। आज गुरुकुल का अवकाश है, गुरुवर का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। गुंडप्पा हम नदी किनारे खेलने जा रहे हैं, तो हमारे साथ तुम भी चलो। चलो। इतना क्या गहन विचार कर रहे हैं महाराज? महारानी चिन्ना थी, हम ये विचार कर रहे थे कि पंडित रामकृष्ण एक गधे को शिक्षित कैसे करेंगे। महाराज ये तो हम सभी को ज्ञात है कि ये कार्य असंभव है। भला कोई गधे को भी शिक्षित कर सकता है? परंतु आप चिंता मत कीजिए, पंडित रामकृष्णा ने कोई ना कोई उपाय अवश्य निकाल लिया होगा। यदि ऐसा नहीं होता तो ये चुनौती स्वीकार ही नहीं करते। हम भी यही आशा करते हैं। देखते हैं आज पंडित रामकृष्णा दरबार में क्या युक्ति निकालते हैं। आज तो कृष्णदेव राय की पराजय सुनिश्चित है। ना तो पंडित रामकृष्ण गधे को पढ़ा पाया होगा और ना ही आज मणि वापस लौटा पाएगा। प्रणाम महाराज। प्रणाम पंडित रामकृष्ण। वैसे तो कार्य अत्यंत ही कठिन था, किंतु माँ की कृपा से कार्य कुशल पूर्वक संपन्न हो गया। मैंने बुद्धिदास जी को शिक्षित कर दिया है। अब ये आप सबके समक्ष अपने शिक्षित होने का साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे। गधे भी भला कभी शिक्षित होते हैं? गुरुजी गधा मत बोलिए। महाराज 2 दिवस तक बुद्धिदास जी ने बड़ी लगन से विद्या प्राप्त की, अपनी विद्वता ये आप सबको स्वयं दिखाएंगे। ये गधा
बुद्धिदास जी पुस्तक पढ़ रहे हैं, सब शांत रहे अन्यथा ये विचलित हो जाएंगे। देखा महाराज, अब बुद्धिदास जी ने जो पढ़ा उसकी व्याख्या कर रहे हैं। जिन जिन को इनकी भाषा समझ में आती है वो कृपया समझ लें। व्याख्या कर रहा है? ये तो मात्र रेग रहा है। गुरुवर, बुद्धिदास का अपमान मत कीजिए। यदि आप ये मानते हैं कि बुद्धिदास व्याख्या नहीं कर रहे तो आप ही बताइए क्या कह रहे हैं। हम कैसे बताएं? अद्भुत पंडित रामकृष्ण, सत्य में असंभव को संभव करने वाले का नाम है पंडित रामकृष्ण। तो सचित महोदय, क्या आपको कोई शंका है? हाँ हाँ, यदि कोई शंका है तो बताइए ये क्या कह रहे हैं। नहीं नहीं, मुझे कोई शंका नहीं है। तो आप ये स्वीकार करते हैं कि पंडित रामकृष्ण ने आपकी दी हुई चुनौती पूर्ण कर दी है? महाराज, ये पंडित रामकृष्ण जी हैं, ये चुनौती पूर्ण नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मणि के लुप्त होने का समय भी हो चुका है। मणि गायब हो गई तो वचन अनुसार आपको अपने नेत्र देने होंगे कृष्ण देव राय। सचित महोदय, प्रतीत होता है बुद्धिदास का ज्ञान जो है वो छलक रहा है। शीघ्र इन्हें बाहर ले जाइए। यदि सारा ज्ञान यहीं निकल गया तो शीघ्र जाइए। जी महाराज, आओ बुद्धिदास। पंडित रामकृष्ण महाराज, अब आप हमें ये बताइए कि ये गधे को आपने शिक्षित कैसे किया? महाराज, पहले तो मैं भी अत्यंत व्याकुल था कि इस बुद्धि इस गधे को शिक्षित करूंगा कैसे। बुद्धिदास जी, क्या आप भी श्लोक के अर्थ समझना चाहते हैं? फिर उस रात्रि मैंने देखा कि ये गधा कचरे को हटाकर कचरे के नीचे जो हरी पत्तियां पड़ी थी उसे ढूंढ ढूंढ कर खा रहा था। तब मुझे उपाय आया। फिर मैंने इस गधे को घंटों तक भोजन दिया ही नहीं। फिर जब ये भूख से व्याकुल होकर जोर जोर से रेंकने लगा तो मैंने इसके समक्ष ये पुस्तक रख दी और पुस्तक के हर पन्नों के बीच में हरी पत्तियां रख दी। पुस्तक के मध्य में हरी पत्तियां रखने के कारण गधे को इन पत्तियों को खाने के लिए पृष्ठों को पलटना पड़ता था। मैंने इस गधे से रात्रि भर यही अभ्यास कराया। जब भी गधा भूख से व्याकुल होकर रेंकता, मैं उसके समक्ष इस पुस्तक के पृष्ठों के मध्य में हरी पत्तियां रख देता ताकि इस गधे को पृष्ठों को पलटकर हरी पत्तियां खाने और रेंककर मांगने की आदत पड़ जाए। महाराज, गधा अभी पुस्तक पढ़ नहीं रहा था, अभी तो वो पुस्तक के पृष्ठों के मध्य में हरी पत्तियां ढूंढ रहा था और जब उसे पत्तियां नहीं मिली तो जोर जोर से रेंकने लगा। और अच्छे पंडित रामकृष्ण। अद्भुत पंडित रामकृष्ण। वाह पंडित रामकृष्ण जी, वाह, अति उत्तम। महाराज, 2 दिवस का समय समाप्त हो गया है, कृपया मुझे मणि लौटा दीजिए और आज्ञा दीजिए, मुझे अपने राज्य को प्रस्थान भी करना है। अवश्य पंडित रामकृष्ण। महाराज, आप कृपया इनकी मणि इन्हें पुनः लौटा दीजिए। जो आज्ञा महाराज।
पंडित रामकृष्ण, क्या बात है? रामा, मणि कहाँ है? पंडित रामकृष्ण, ये इधर उधर क्या कर रहे हैं आप? महाराज आपसे कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं। गुरु, जब मैंने अभी दरबार में प्रवेश किया था तो मणि इसी पोटली में मेरी कमर में बंद थी, अभी अभी नहीं है। सभी लोग मणि को ढूंढिए तुरंत। हाँ, शीघ्र ढूंढिए। गुरुजी आसन पे बैठे मत रहिए, महाराज देख रहे हैं। मणि ढूंढिए मणि। महाराज, महाराज, मणि तो दरबार में नहीं है। पंडित रामकृष्ण जी, दुर्लभ मणि कहाँ है? पंडित रामकृष्ण, हो सकता है कि आप उस मणि को अपने निवास पर भूल आए हो। नहीं मंत्रीवर, मणि मेरे पास ही थी। थी 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 तो कहाँ चली गई? पंडित रामकृष्ण जी, वो दिव्य मणि थी। हमारे महाराज के पूर्वजों ने अपने नेत्रों की बलि देकर भगवान शिव से अर्जित की थी। पंडित रामकृष्ण, आपसे चूक हुई है, आप उस मणि की सुरक्षा नहीं कर पाए। आप निश्चिंत रहिए, यदि ये मणि आपके महाराज के प्राणों से बढ़कर है उनके लिए, तो हमारी सुरक्षा में ये मणि हमारे प्राणों से बढ़कर होगा। यदि आपके पूर्वजों ने अपने नेत्रों की बलि देकर इसे प्राप्त किया है, तो हम भी आपको वचन देते हैं कि यदि हम इसकी सुरक्षा ना कर पाए तो स्वयं अपने नेत्रों की बलि दे देंगे। अब क्या होगा रामा? तेरे कारण महाराज को अपने नेत्रों की बलि देनी पड़ेगी। महाराज, आपने वचन दिया था। हमें स्मरण है, स्मरण है हमें। आप गलत समझ रहे हैं महाराज। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि आपके वचन मुक्त होने का मात्र एक यही उपाय है। एक तलवार मंगवाइए और मैं अपने सर को अपने धड़ से अलग करना चाहता हूँ महाराज। किंतु आपसे, आपसे आपके नेत्रों को मांगना, ये दुस्साहस मैं नहीं कर सकता। बिना मणि के अपने राज्य पुनः प्रस्थान भी तो नहीं कर सकता। टूटी हो रही है आपसे, तुलवा वंशज है हम। यदि वचन देते हैं तो उसे निभा कर ही रहते। हमने आपको वचन दिया है तो अपने नेत्र भी देंगे निश्चित रूप से। हे भगवान, यदि महाराज को कष्ट हुआ तो विजयनगर नष्ट हो जाएगा। विजयनगर नष्ट हुआ तो हमारा राजपाल समाप्त हो जाएगा। हमें कुछ करना होगा, महाराज को ऐसा करने से रोकना होगा। यह उचित नहीं है, यह उचित नहीं है। मणि महाराज ने नहीं खोई है, मणि पंडित रामकृष्ण ने खोई है, तो नेत्र भी पंडित रामकृष्ण को देने होंगे। हाँ, 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 गुरुवर सत्य कह रहे हैं महाराज। महाराज, मैंने आपको वो मणि आपके वचन के ऊपर विश्वास करके आपको सौंपी थी, न कि पंडित रामकृष्ण के। किंतु कोई बात नहीं महाराज, इस समस्या का एक ही समाधान है। आप मुझे अपनी तलवार दीजिए, मैं अपने प्राण लेना चाहता हूँ। जब मैं ही नहीं रहूंगा तो वचन की पूर्ति की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आप कृपया करके अपनी तलवार मुझे दीजिए। शांत हो जाइए अच्युत महोदय, हमने आपको वचन दिया था, अपने नेत्र भी देंगे। अब हम क्या करें, क्या करें, क्या करें? पंडित रामकृष्ण एकमात्र विकल्प है। पंडित रामकृष्ण इसमें हमारी सहायता कर सकता है। कुछ कीजिए पंडित रामकृष्ण, शीघ्र कुछ कीजिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। यदि महाराज के नेत्र चले गए तो विजयनगर राज्य संकट में आ जाएगा। पंडित रामकृष्ण, आप
अपनी द्वार समस्या का समाधान निकाला है, इसका भी हल निकाली, इस समस्या का कोई हल निकाली। पंडित रामकृष्ण आप बोलते क्यों नहीं है? पंडित रामकृष्ण आपने पूर्व में कई बार विजयनगर को संकटों से उबारा है, कोयला बेचा है, शैतान सिंह को परास्त किया है, देवदास का हल निकाला है, हर चुनौती पर विजय प्राप्त की है पंडित रामकृष्ण आपने। आप इस दरबार का, विजयनगर का गर्व है पंडित रामकृष्ण। इस समस्या का भी कोई चमत्कारी उपाय निकाल लीजिए, बचा लीजिए पंडित रामकृष्ण, हमारे महाराज के नेत्र बचा लीजिए पंडित रामकृष्ण, बचा लीजिए पंडित रामकृष्ण। गुरुवार, आपका इस प्रकार चिंतित होना व्यर्थ है, इस समस्या का कोई समाधान ही नहीं है, तो पंडित रामकृष्ण इसमें क्या कर पाएंगे? सचित महोदय, वचन अनुसार हम आपको अपने नेत्र देने के लिए तैयार हैं। बस एक निवेदन है आपसे, हमें केवल एक दिवस का समय दीजिए, इस एक दिवस में हम अपने नेत्रों से हमारे जीवन की सबसे प्रिय वस्तुएं देखना चाहते हैं। अवश्य महाराज। आज नहीं तो कल तुम्हारी आंखें तो मैं लेकर ही रहूंगा कृष्णदेव राय। महारानी चिन्ना देवी। महाराज, क्यों किया आपने ऐसा? क्यों आपने एक बार भी हमारे विषय में विचार नहीं किया? मात्र एक बार हमारे विषय में विचार करने थे, परंतु नहीं, आपने तो सब कुछ समाप्त कर दिया, कुछ नहीं बचा हमारे पास। महाराज, क्यों किया आपने ऐसा? क्यों? बताइए हमें, क्यों किया आपने? क्यों किया महाराज आपने ऐसा? आपने ऐसा क्यों किया महाराज? शांत हो जाइए, शांत हो जाइए और हमारी तरफ देखिए, देखिए हमें, हमारी आंखों में देखिए महारानी चिन्ना देवी, और स्मरण रहे हम एक क्षत्रिय हैं, और हमारे लिए हमारे वचन का पालन करना हमारे परिवार से स्वयं हमारे प्राणों से अधिक आवश्यक है। संभालिए अपने आप को, आपको गर्व होना चाहिए, आप एक वीर क्षत्रिय की अर्धांगिनी है महारानी चिन्ना देवी। संभाले अपने आप को, हमारी कमजोरी नहीं शक्ति बनी, हमारी शक्ति बनी है। उठिए, यहां से पूछिए और हमारे विजय तिलक की व्यवस्था कीजिए। हे महाराज, हम नहीं कर पाएंगे महाराज, आप समझने की कोशिश कीजिए महाराज, हम नहीं कर पाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे महाराज। महारानी जी, चिंता मत कीजिए, पंडित रामकृष्ण महाराज को इस समस्या से अवश्य निकाल लेंगे, क्योंकि उनके पास हर असंभव को संभव करने का उपाय है। आगे पता है, आपके कहे अनुसार सब कुछ बना दिया हमने। हमें ज्ञात था कि तूने गधे को शिक्षित करने का कोई ना कोई उपाय अवश्य सोचा था, इसलिए शारदा को तूने हलवा पूरी खीर बनाने के लिए कहा था ना?
नहीं दिए क्या? क्या हुआ दरबार में? हाँ जी अम्मा, हम अभी इनके लिए हलवा लेकर आते हैं। ये लीजिए। अम्मा, हमें लग रहा है कि ये किसी बड़े संकट में है। अम्मा पूछ रही हैं, ऐसा क्या हुआ है? अच्छा भला तो था प्रातः में। तेरा गधा शिक्षित होने का प्रमाण देने से पहले ही भाग गया क्या? क्या हुआ? आप उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं? ये क्या उत्तर देंगे आपको? इनके पास उत्तर देने के लिए बचा क्या है? अरे किस बात का प्रतिशोध ले रहे हैं आप पंडित रामाकृष्ण महाराज से? अपने प्राण बचाने होते हैं तो तुरंत उपाय मिल जाता है यार। आज हमारे महाराज पर विपत्ति आई है तो आप अपने घर में छुप कर बैठ गए? कितने स्वार्थी हैं आप पंडित रामाकृष्ण? मणि को संभाल कर रखने का दायित्व आपका था ना? आपका था ना? तो क्यों गुम हो गई वो? अब आप भी महाराज को विपदा से निकालेंगे। स्मरण रहे पंडित रामकृष्ण, महाराज हैं तो तुम हो, हम हैं, विजयनगर की आन बान शान है। अरे हम आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, प्रेम करते हैं, वो सब महाराज के कारण ही तो हो रहा है। यदि उन्हें कुछ हो गया तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। विजयनगर राज्य इतिहास बनकर रह जाएगा पंडित रामकृष्ण। एक पंडित रामकृष्ण, हम यहाँ विजयनगर के राजगुरु के रूप में नहीं, एक महान राज्य के साधारण नागरिक के रूप में आपसे विनती करते हैं। कुछ कीजिए, कोई उपाय निकालिए, शीघ्र कुछ कीजिए, पर महाराज को बचा लीजिए, बचा लीजिए महाराज को पंडित रामकृष्ण। महाराज को बचाना होगा पंडित रामकृष्ण। महाराज को बचाइए, महाराज को बचाना होगा। यदि महाराज को कुछ हुआ तो हम तुम्हारे प्राण ले लेंगे पंडित रामकृष्ण। क्या कहा तुमने? उन्हें बोलो, उन्हें बोलो। गुरुवर आप बीच में मत पड़िए। अन्यथा क्या कर लोगे? क्या कर लोगे तुम? तुम लोग चुपचाप तुरंत यहां से निकल जाओ, अन्यथा हम अपने मंत्रों की शक्ति से भस्म कर देंगे तुम सबको। भागो यहां से, भाग जाओ। देख लिया पंडित रामकृष्ण, यदि शीघ्र अतिशीघ्र आपने कुछ नहीं किया तो संपूर्ण विजयनगर आपको दोषी मानने लगेगा। तत्पश्चात हम भी आपके प्राणों की रक्षा नहीं कर पाएंगे। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं पंडित रामकृष्ण, महाराज को बचा लीजिए। अम्मा, इन्होंने एक क्षण के लिए भी मणि को अपनी कमर से नहीं हटाया तो फिर मणि कैसे खो गई? अम्मा मुझे नहीं पता मणि कैसे खो गई, किंतु आज महाराज मेरे कारण संकट में। अम्मा मैं कैसे बचाऊं महाराज के नेत्र, कैसे बचाऊं महाराज का सम्मान, विजयनगर का भविष्य? मुझे मुझे कुछ नहीं सोच रहा अम्मा, मैं क्या करूं? मुझे कुछ नहीं सोच रहा। हाँ, अब लगता है काली माई कोई उपाय करेंगी। जब जब कोई विपदा आई है, कोई संकट आया है, तब तब माँ ने ही मेरा मार्गदर्शन किया है, अब वही सहायता करेंगी। हाँ रुक जाइए, नहीं बाहर सब आपको मारने के लिए खड़े। नहीं नहीं नहीं,
मुझे जाना ही होगा, मुझे रोको मत। अरे अम्मा, अम्मा। जब जब इस संसार में संकट आता है तुम मुझसे दूर करती हो माँ। आज तुम्हारे अपने विजयनगर पर संकट आया है, तुम तो वास करती हो ना यहाँ, तुम ऐसा अनर्थ कैसे होने दे सकती हो माँ? बताओ मैं कितना अभागा हूँ जिस महाराज ने मुझे इतना मान सम्मान दिया, एक नई पहचान दी, आज वो मेरे कारण संकट में है माँ, और मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा। मैं क्या करूँ माँ, मैं अपने महाराज के नेत्र कैसे बचाऊं? नहीं माँ, मेरे महाराज के नेत्र नहीं जाने चाहिए। तुम मुझे कोई उपाय बताओ, मेरा मार्गदर्शन करो माँ, मेरा मार्गदर्शन करो, नहीं तो मैं यहीं बैठे बैठे अपने प्राण त्याग दूंगा। ये जीवन तूने मुझे समर्पित किया है, फिर तेरा इस पर कैसा अधिकार? तू प्राण कैसे त्याग देगा? का चप्पा चप्पा छान लिया परंतु मणि कहीं नहीं मिली। तो जाओ और विजयनगर का चप्पा चप्पा छान मारो, आखिर वो मणि जहां कह सकती है। जाओ। रुको रुको मित्रों, वो देखो मंदिर में प्रसाद बंटा है, चलो हम भी खाते हैं। ये दिया दिया, मेरा हाथ जला दिया, मुझे दोनों मित्रों ने दिया। तुमने तो हलवा मांगा था, दोना कहाँ मांगा था? यदि तुम कहते कि मुझे हलवा धोने में दो तो मैं तुम्हें हलवा धोने में देती। ये तो बात है। लामा गुलुकुल में अवकाश था, मैं सहपाठियों के साथ समय व्यतीत कर रहा था। क्या हुआ लामा? कुछ नहीं, तू घर जा। लामा तू माँ के सामने ऐसे व्यतीत कर क्यों बता? कहा ना कुछ नहीं, मुझे एकांत में रहने दे, तू घर जा। उचित है। रानी चिन्ना देवी, हमारे नेत्रों को दान देने में केवल कुछ ही क्षण शेष है और हम इनमें केवल सुंदर स्मृतियां संजोना चाहते हैं। आज आपके इस उदास मुख की छवि हमारे मन में लेकर हम जी नहीं पाएंगे। आपको हमारी सौगंध है, अब आंसू का एक भी कतरा नहीं बहेगा।
सब कुछ कितना अलग प्रतीत हो रहा है महारानी चिन्ना देवी। ये सृष्टि कितनी सुंदर है। बस हम मनुष्य अपनी व्यस्तता में सब कुछ विस्मृत कर चुके हैं, भौतिक सुखों की खोज में अलौकिक सुखों को भुला चुके हैं। इसका महत्व हमें आज समझ में आ रहा है जब हमें ज्ञात हो चुका है कि आज के पश्चात हम ये सब कुछ देख नहीं पाएंगे। कैसे लुप्त हो सकती है मणि? यह अंतिम रात्रि है, अपने नेत्रों का उपयोग कर लो कृष्णदेवराय। आज के पश्चात तुम्हारे जीवन में रात्रि का अंधकार सदैव के लिए छाने वाला है। महारानी चिन्ना देवी, आप एक क्षत्रिय की धर्मपत्नी हैं, विजयनगर राज्य की महारानी हैं आप। आपको इस प्रकार रोना शोभा नहीं देता। विनाशों को पूछिए और आप हमें विजय तिलक लगाकर प्रसन्नता पूर्वक विदा कीजिए। ईश्वर ये दे किसी भी पत्नी को कदापि ना दिखाए। चिन्ना देवी, जब हमारे नेत्र निकाले जाएं, उस क्षण हम चाहते हैं कि आप हमारे समक्ष रहें। महाराज, हमसे ये संभव नहीं हो पाएगा। इसे आप हमारा अनुरोध समझे या आग्रह। चिन्ना देवी, हम अंतिम बार आपकी छवि हमारे मन में बसाना चाहते हैं।